हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, दैट इज घुमसर राइजिंग अंडर दोरा बिसोई एंड कंधो राइजिंग अंडर चक्र बिसोई। सो ये जो दोरा बिसोई एंड चक्र बिसोई है, अंकल एंड भतीजे हैं दोनों, तो ये बहुत ही लाइक बोल सकते हैं फ्रीडम फाइटर थे उड़ीसा से, है ना। बिफोर 1857 जो बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था ऑल ओवर इंडिया, तो ये वाला जो घुमसर अपराइजिंग एंड कंधा अपराइजिंग था, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट अपराइजिंग्स फ्रॉम ओडिशा। ओके, तो घुमसर अपराइजिंग किनके लीडरशिप हुआ था? दोरा बिसोई और कंधा राइजिंग अंडर चक्रा बिसोई। तो दोनों एक साथ हम पढ़ लेंगे, है ना। दोनों एक साथ नहीं हुआ था, बट कुछ इंटरवल में हुआ था, बट बिकॉज बोथ आर रिलेटेड विल स्टडी दिस थिंग्स टुगेदर इन दिस वीडियो। ठीक है, तो वीडियो एक्चुअली आज थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, मैं इसको जल्दी थोड़ा फिनिश करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो लेट्स मूव। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ये एक ओडिशा का पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ घुमसर जो है किधर है। तो ये आप एरो मार्क यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो घुमसर जो अभी है एक्चुअली दो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड हो गया है, कंधमाल एंड गंजाम। तो ये जो एरो मार्क जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा एग्जैक्टली। तो ये दोनों जगह पे, दोनों डिस्ट्रिक्ट में अभी डिवाइडेड है। ठीक है, अभी घुमसर नाम नहीं है, नाम चेंज हो गया है। आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट दिखाया हूँ, एक कंधमाल डिस्ट्रिक्ट है, एक आपका गंजाम डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो दिस इज कंधमाल डिस्ट्रिक्ट, दिस इज गंजाम डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो एरो मार्क में दिया हूँ। कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में अगर जाएंगे, यहाँ पे आप देखते हैं जी उदयगिरी ब्लॉक है। ठीक है, जी उदयगिरी ब्लॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जो होता है बहुत सारे ब्लॉक में डिवाइडेड होता है ना, ब्लॉक एंड तहसील्स। तो बेसिकली ये जो दिख रहा है आप, जी उदयगिरी ब्लॉक ऑफ कंधमाल डिस्ट्रिक्ट एंड भंजनगर जो है, ये केएनएससी है, तहसील भी है, तो वो जो है वो आपका गंजाम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो ब्लॉक है यहाँ पे घुस जाएगा। यहाँ पे दोनों लाइक जो सेम साइज है, देख सकते हो आप, लॉक एंड की टाइप का है ये, राई किया ब्लॉक यहाँ पे घुस जाएगा और ये वाला यहाँ पे घुस जाएगा। ठीक है, तो जी उदयगिरी ब्लॉक और भंजनगर अब में डिवाइड हो गया घुमसर। तो पहले जो घुमसर था, अभी करंटली दिज आर अंडर जी उदयगिरी ब्लॉक एंड भंजनगर। ये बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद मुझे पता चला, ठीक है, कन्फ्यूजन था तो थोड़ा टाइम लगा, इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि जो घुमसर रिबेलियन हुआ था वो कहाँ पे है। बेसिकली तो कंधमाल और गंजाम दोनों जगह पे है। आधा जो नॉर्दर्न वाला पार्ट हो गया था वो कंधमाल में रह गया है, और जो सदर्न वाला घुमसर वाला पार्ट है भंजनगर है अभी। ठीक है, कंधमाल वो हो गया है आपका, सॉरी आपका कहाँ पे, गंजाम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ओके। सो तो थोड़ा, तो ये मैं जो बताया मैं वहीं पे लिख दिया हूँ, घुमसर इज इक्वल टू जी उदयगिरी ब्लॉक ऑफ कंधमाल एंड भंजनगर तालुक और एनएससी ऑफ गंजाम। ठीक है, तो भंजनगर थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला, तो मैं यहाँ पे ये स्लाइड डाल दिया हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भंजनगर है वो पहले, अभी तो एनएससी है। ठीक है, एनएससी एक तालुक भी है ना, तालुक मतलब तहसील जिसको बोलते हैं, जिसका जिसको तहसीलदार हेड करते हैं। बेसिकली रेवेन्यू रेवेन्यू कलेक्शन की वाइज तहसील तहसील में डिवाइड होता है सारा डिस्ट्रिक्ट, है ना। और एनएससी मतलब नोटिफाइड एरिया काउंसिल, वो जो आपका जो म्यूनसिपालिटीज होता है, म्यूनसिपल का सबसे छोटा वाला जो है ना, जो अर्बन लोकल अर्बन बॉडीज होता है ना, लोकल अर्बन बॉडीज का सबसे जो नीचे वाला हिस्सा, मतलब जो इमीडिएट जो मतलब रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जब हम जाते हैं, वो जनरली उस एनएससी बोलते हैं। ठीक है, जो कनेक्टिंग लिंक बोल सकते हो एनएससी, उसके ऊपर जो उससे थोड़ा बड़ा होता है उसको बोलते हैं म्यूनसिपालिटी, उसके ऊपर होता है म्यूनसिपल काउंसिल। ठीक है, ओके। सो भंजनगर जो है वो एक एनएससी है, कहाँ पे है, गंजाम डिस्ट्रिक्ट में, जो कि घुमसर पहले था, घुमसर का ही पार्ट है ना। तो ये जो है इसका पहला नाम क्या था, रसल कोंडा। तो ये रसल कोंडा या नाम याद रखना, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, जो कि आता है दोरा बिसोई का रिवेलियन को सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो उसके नाम पे ही वो टाउन था, बताओ। तो पहले जो ब्रिटिश लोग थे, जो भी अच्छे से सप्रेस कर जाता था कोई रिवोल्ट, तो उसके नाम पे रख देते थे वो जगह। जैसे कि आप जो 1857 वीडियो अगर देखेंगे आप मेरा, वहां पे मैं बताया हूँ कि जो वहाँ पे जितने सारे जो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जो रिवोल्ट को सप्रेस किए थे, है ना, 1857 जो सिपाही म्यूटिन था, तो उसमें भी जो ब्रिटिश के जो भी थे ऑफिसर्स, उनके नाम पे बहुत सारे आइलैंड का नाम है, जो अभी रिसेंटली भी चेंज हुआ है, आपको पता होगा अंडमान निकोबार में, मैंने उसमें भी डिस्कस किया था,
जो कैंपबेल भी है उधर, और कौन आपका था, हैवलॉक, नील एंड रॉस, जिसका नाम होके चेंज होके स्वराज शहीद एंड सुभाष चंद्र बोस नाम चेंज हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही रसल कोंडा नाम था ये टाउन का, तो अभी उसका नाम चेंज करके क्या किया, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड उड़ीसा, उसका नाम चेंज होके हो गया भंजनगर। तो भंजनगर किसके नाम पे दिया गया है, कवि सम्राट वीरबरो उपेंद्र भंजो, ठीक है। तो जो उपेंद्र भंजो, कवि सम्राट उपेंद्र भंजो बहुत फेमस है उड़ीसा में, ही वाज कॉल्ड एज द कवि सम्राट, मतलब द सम्राट मतलब क्या, किंग, किंग ऑफ द पोइट्स, राइट, पोइट्रीज, सॉरी पोइट्स, राइट। और जो वीरबरो टाइटल है खुद आप उपेंद्र भंजो अपने आप को दिए थे, जो भंजो डायनेस्टी है वहां पे उस एरिया में उसके थे, जिसके अंदर में बाद में आते हैं आपके कौन राजा, उसके बाद जो अभी हाँ ये कृष्ण चंद्र भंजदेव है ना, महाराजा कृष्ण चंद्र भंजदेव, उन्हीं के ही लाइन पे आते हैं। तो कवि सम्राट जो टाइटल है उनको एक दूसरे ऑथर ने दिया था, उनका नाम कुछ था हम पटनायक, महाराणा पटनायक और समथिंग है, ठीक है। तो रसेल कोंडा नाम था भंजनगर का। तो दिस इज एडिशनल जस्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया, बिकॉज मुझे मिल गया तो मैं डाल दिया यहाँ पे। भंजनगर जो प्लान कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस रिवर्स लोहरा खंडी बडनाड़ी, आपको याद रखने जरूरत नहीं है, स्टेट हाईवे नंबर 7 है जो कि बरहमपुर और फुलवारी को कनेक्ट करता है। ओके यस, तो यहाँ पे ये मुझे वहाँ ऑनलाइन मिला एक रिसर्च पेपर से, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दिया हूँ कैसे जो कंधमाल डिस्ट्रिक्ट है कैसे बना है, पहले क्या था वो, ठीक है। तो पहले जो है तो ये कंधमाल का कुछ हिस्सा जो पार्ट ऑफ बौद्ध किंगडम था, ठीक है। अभी अगर आप पता होगा तो जब उड़ीसा इंडिपेंडेंट हुआ तभी वो डिस्ट्रिक्ट का नाम था फुलवानी, ठीक है। 1994 में वहां पे दो डिस्ट्रिक्ट निकला, एक कंधमाल हो गया, दूसरा हो गया बौद्ध। तो पहले बौद्ध और कंधमाल मिलके था फुलवानी, ठीक है। अभी फुलवानी क्या है, सिटी जो है कंधमाल का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ठीक है। करेंटली फुलवानी करके डिस्ट्रिक्ट नहीं है, इट वॉज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ कंधमाल, बट बिफोर 1994 बौद्ध और कंधमाल डिस्ट्रिक्ट दोनों मिला के जिसका नाम था फुलवानी, ठीक है। ओके नाउ ये जो था पार्ट ऑफ बौद्ध किंगडम था अंटिल 1855 है ना, लेकिन ज्यादातर वो इंडिपेंडेंट रहते थे, जो कौंध वाले एरिया था, जो घुमुसर एरिया था, कौंध एरिया था, तो वो क्या होते थे इंडिपेंडेंट रहते थे, ऑटोनोमस, क्योंकि ऐसे बेसिकल तो एक राजा के अंडर रहता था, लेकिन ट्राइबल लोग अपना खुद का मैनेजमेंट करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और कुछ पार्ट था जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ घुमुसर, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ घुमुसर जो है, नॉर्दर्न घुमुसर और जिसको बोल रहे हैं अभी क्या उत्तर घुमुसर, क्या बोल रहे हैं ये वाला, हाँ जी उदयगिरी जो बोला मैं, जो कि अभी कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो ये वाला एरिया हो गया, और बाकी जो कुछ कंधमाल एरिया था वो देट वॉज अंडर बौद्ध किंगडम, ठीक है। उत्तर खेमुंडी, पारला खेमुंडी अगर सुने होंगे, पारला खेमुंडी इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ कौन सा डिस्ट्रिक्ट, गजपति, राइट। तो एक पारला है, एक खेमुंडी है, तो उत्तर खेमुंडी जो है अभी उसको बालीगुड़ा बोल रहे हैं, बालीगुड़ा ब्लॉक, और ये उत्तर घुमसर को बोल रहे हैं जी उदयगिरी। ओके तो ये दोनों तो बोल रही है, हमें लिखा हुआ है द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड घुमसर, घुमसर को कब ऑक्यूपाई किया 1835 में, ठीक है। जब वो उनको डिटेल में पढ़ेंगे, जब धनंजय जो थे धनंजय वंश जब वो भाग जाते हैं टुवर्ड्स दोहरा बिस्सोई, तो ब्रिटिश उनको ऑक्यूपाई करते हैं वाला रीजन को। उसके बाद धीरे धीरे बिटवीन 1830 टू 1880 बालीगुड़ा जो कि उत्तर खेमुंडी है, उत्तर घुमसर जो कि जी उदयगिरी है, इसको ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये दोनों भी एरिया को आते हैं कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है अभी। तो ये एक्चुअली कंधमाल डिस्ट्रिक्ट कैसे बना उसका दिखाया हुआ है, तो जिससे हम एक्चुअली इससे समझ में थोड़ा इजी हो गया, ठीक है। द प्रेजेंट कंधमाल सब डिविजन जो है वो जो 1855 में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1855 तक बौद्ध का हिस्सा था, 1855 में कहाँ आ गया, बंगाल प्रोविंस में आ गया, ठीक है। तो बंगाल प्रोविंस में वो एक तहसील बन गया कंधमाल तहसील करके, ठीक है, बौद्ध किंगडम के सेपरेट होके ये हो गया। बेसिकली बौद्ध किंगडम जो था वो प्रिंसली स्टेट था, वहां से निकल के ब्रिटिश जो बंगाल प्रोविंस था उसने डायरेक्टली इसको अपने अंडर ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे वो क्यों हुआ मैं भी बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन नॉर्दर्न यहाँ पे अभी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ घुमुसर तो ले लिया था पहले, उसके बाद इसको लिया, फिर उत्तर खेमंडी को 1880 में लिया, ठीक है। तो पहले लिया नॉर्दर्न घुमुसर जो इसको बोल रहे हैं जी उदयगिरी, फिर बाद में लिया जो बौद्ध का पार्ट था बेसिकली बालीगुड़ा एरिया एंड ऑल, ठीक है। फिर बाद में लेता उत्तर खेमुंडी, ना उत्तर खेमुंडी तो बालीगुड़ा बोलते हैं, बाकी कौंधमाल का जो भी हिस्सा था बेसिकली वो ले लिया था 1855 में, ठीक है। तो अभी जो घुमोसर का नॉर्दर्न पार्ट है उदयगिरी एंड उत्तर खेमुंडी, ये पहले आ गए थे मद्रास प्रेसिडेंसी गंजाम डिस्ट्रिक्ट के अंडर, ठीक है। फिर बाद में जब 1936 में ओडिशा एक सेपरेट प्रोविंस हुआ,
है ना, जो मद्रास से और बंगाल से और सेंट्रल प्रोविंस से, तीनों से जो भी ओडिया स्पीकिंग एरिया था सारा कंबाइन होके एक सेपरेट ओडिशा प्रोविंस हुआ था 1936 में। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये जो दोनों जो पहला पार्ट था ये गंजाम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर एज ए पार्ट ऑफ गंजाम डिस्ट्रिक्ट टू द न्यूली क्रिएटेड ओडिशा प्रोविंस। और जो ये वाला पार्ट था आपका बौद्ध से जो निकला हुआ था बाकी कंधमाल वाला एरिया, कंधमाल वाला तहसील, ठीक है। पहले तो वो 1891 में अनुगुल का सब डिवीजन बना था अनुगुल डिस्ट्रिक्ट का, फिर बाद में दैट ऑल्सो केम अंडर द सब डिवीजन ऑफ गंजाम डिस्ट्रिक्ट, बिकम सब डिवीजन ऑफ गंजाम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो तीनों आ गए गंजाम में 1936 में, ठीक है। फिर बाद में क्या होगा, जब इंडियन इंडिपेंडेंस होगा 1947 में, तब वो फुलवाणी बन जाएगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पिट मिला के फुलवाणी डिस्ट्रिक्ट, जो इसको बौद्ध और कंधमाल लिखा हुआ है यहाँ पे, यू कैन सी दैट वाज कंधमाल, दैट वाज बेसिकली फुलवाणी डिस्ट्रिक्ट। फिर अगेन इन 1994 दैट विल बी सेपरेटेड, तो अगेन एक बौद्ध हो जाएगा, एक कंधमाल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज द हिस्ट्री। तो पहले आपका घुमोसर को ऑक्यूपाई किया 1835 में, उसके बाद आता है आपका बौद्ध, जो बौद्ध का जो कंधमाल वाला एरिया था 1855, उत्तर खेमुड़ इन 1880, ठीक है। ये सब चीज हो गया, ठीक है। 1830 में क्या प्रॉब्लम हुआ, जो जिसके वजह से हम अभी पढ़ रहे हैं, जो रिवॉल्यूशन हुआ दोहरा विश्व युद्ध द्वारा लीड होकर। तो दिस चेंजेस 1835 में जब ब्रिटिश लोग आए, उसने उन्होंने क्या किया, अच्छा काम तो किया लेकिन उनका वो था रिलीजन वाला चीज, तो उन्होंने मरिया जो था उसको सप्रेस करने की कोशिश किया। व्हाट इज मरिया, तो वहां पे क्या होता था, एक ह्यूमन सेक्रीफाइस का प्रैक्टिस था, है ना। कंधमाल में आपको पता होगा कंधमाल का एक हल्दी है जिसको जीआई टैग मिला है, तो वहां पे जो हल्दी का फील्ड होता था तो उसमें क्या करते थे वो लोग, ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे, जिससे उनका एक मानना था कि जो भू देवी है, भू माता, वो खुश होते हैं और अच्छा प्रोडक्शन होता है, यील्ड होता है बेसिकली। तो उसको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश लोगों ने ट्राई किया, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो घुमोसर रिबेलियन एंड कांथ रिबेलियन होता है, दैट वाज वन ऑफ द रीजन, नॉट द ओनली रीजन, ओके। तो ये चीज हो गया, तो 20 साल तक ये चीज चला था बेसिकली रिबेलियन, ओके। सो फैक्टर्स फॉर द घुमोसर अपराइजिंग अंडर दोहरा विस्फोट। तो जैसे कि हमने एक रीजन तो पढ़ लिया कि सप्रेशन ऑफ मेरिया, मेरिया एजेंट आते थे ब्रिटिश की तरफ से और वो सप्रेस करने की कोशिश किए थे, जो ह्यूमन सेक्रीफाइस होता था उसको सप्रेस करने की कोशिश किए, ठीक है, जो कि मेनली कंधो डोमिनेटेड एरिया में होता था, घुमोसर एरिया एंड कंधमाल एरिया, ठीक है। दैट वाज द डायरेक्ट अटैक ऑफ द ब्रिटिश ऑन द ट्रेडिशनल रिलीजियस फेथ ऑफ द कंधर्स। तो दैट वाज अ ट्रेडिशनल थिंग, तो सारा जो ट्राइब्स होते थे उनका एक ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ होता था, अगर उसमें कोई भी इंटरफेयर करता था वो लोग गुस्सा हो जाते थे, ठीक है। तो इसमें से ये था मरिया, है ना। ये मरिया वर्ड आपके जो पेरेंट्स लोगों को पूछोगे वो सुने होंगे, है ना। तो दैट वाज देयर ह्यूमन सेक्रीफाइस बेसिकली, अलोंग विद दैट एक्टिविटीज ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज इन्फ्यूरिएटेड द कंधर्स एंड मेड देम रेबेलियस। अलोंग विद दैट एक्टिविटीज क्रिश्चियन मिशनरी भी वहां पे आने लगे और लोगों को कन्वर्ट करने लगे उनको क्रिश्चियनिटी में, तो वो भी एक रीजन था। देन थर्ड रीजन वाज द लैंड रेवेन्यू वाज इंक्रीज टू 50%, तो 50% अगर लैंड रेवेन्यू लोगे दैट वाज ए बर्डन फॉर देम। वो लोग तो ज्यादा एक्चुअली कल्टीवेशन भी करते नहीं थे ठीक से, है ना, मेनली जो क्या बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, सो दैट वाज आल्सो वेरी जो फोर्सफुल मेथड से लेते थे रेवेन्यू, तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन जिससे क्या होता था, जो ट्राइबल लोग क्या हो गया, बहुत ज्यादा इरिटेशन हो गया उनका और दे वांटेड टू टेक रेवेंज, है ना, रिवेंज लेने के लिए वो तैयार थे। तो ये सब रीजन ऑलरेडी और फैक्टर्स ऑलरेडी था। उसके बाद क्या हो गया, जो इमीडिएट रीजन हुआ दैट इज द भंजर रूलर ऑफ घुमोसर, तो जो घुमोसर वाला एरिया था एक भंजर रूलर थे उनके अंडर में रहता था, है ना, जिससे वो आते थे। अभी जो महाराजा कृष्णचंद्र भंजर देव जो कि वन ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द मॉडर्न ओडिशा है, उनसे पहले जो उनके एंसेस्टर्स थे तो उस टाइम में कौन थे, धनंजय भंजर, ठीक है। तो धनंजय भंजर जो थे वो थोड़ा रेबेलियस होने लगे थे, तो वो भी मतलब ब्रिटिश तो ऑब्वियसली इतना सबको जकड़ के रखे थे कि एनी वन वॉन्ट टू बिकम इंडिपेंडेंट, सब तो इंडिपेंडेंट होना ही चाहते थे। तो धनंजय भंजर जो क्या करते थे, जो कि ब्रिटिश लोग को देना था टैक्स वगैरह, वो लेके भाग गए, किसके पास, दोहरा विषय जो थे उनके पास, ठीक है। सो द रूलर ऑफ घुमसर फ्लेड टू द जंगल एंड सॉट द असिस्टेंट ऑफ कंधज। अभी कंधज के लीडर कौन थे, दोहरा विषय, ठीक है। तो कंधज वॉन्टेड टू हेल्प हिम एज ही वॉज द रूलर, ठीक है। ऑल्दोज वो लोग इंडिपेंडेंट रहते थे, दे आर अंडर द रूलर, जो एक जैसे नॉमिनेश क्या बोल सकते हैं, तो एक रूलर के अंडर रहते थे, जैसे प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश के अंडर थे, यू नो इस टाइप के। सो द रिजोल्यूशन ऑफ द भंजर रूलिंग फैमिली, तो जब धनंजय भंजर का क्या होता है, डेट हो जाता है 1835 दिसंबर में, ठीक है। तो क्या हो जाता है, तो उनका जो रूलिंग फैमिली, बिकॉज वो एक रेवेलियन करके टाइप का चले गए थे, तो उनका भंजर रूलिंग फैमिली को डिजोल्यूशन किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो उनके जो बच्चे थे धनंजय भंजर के, बाकी वृंदावन भंजर एंड जगन्नाथ भंजर, ये सब क्या है,
एक्चुअली उदाहरण जब मैं जो उनके फैमिली को दोरा बिसोई के अंडर छोड़ के चले जाते हैं कि यू प्रोटेक्ट माई फैमिली, तो दोरा बिसोई जो थे ही वॉज द लीडर ऑफ द ट्राइबल चीफ ऑफ द कंधार ऑफ घुमुसर, तो वो ट्राइबल चीफ थे। तो धनंजय मंजा ने तो शुरुआत किया था है ना, जिससे इमीडिएट कॉज चालू हो गया उनके डेथ के बाद, तो दोरा बिसोई किया हुए इसको लीड किए ये जो रिवोल्ट को। सो दोरा बिसोई ट्राई टू प्रोटेक्ट द फैमिली मेंबर्स ऑफ धनंजय मंजा फ्रॉम द ब्रिटिश अथॉरिटी एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो बाकी सारा रीजन तो था ही ऑलरेडी, मरिया इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन, एंड दिस इज धनंजय फैमिली, जो धनंजय मंजा का जो फैमिली थे दैट वाज आल्सो द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर दिस रिवोल्ट। तो ब्रिटिश लोग ने क्या किया ये रिवोल्ट को खत्म करने के लिए? When the rebellion of Dora Bisoy become intolerable, the British authority under the Madras presidency sent George Edward Russell, ये नाम मैंने ऑलरेडी आपको बोला हुआ था याद रखना, रसेल जिसका नाम था हुआ रसेल रसेल कोंडा, जिसका नाम चेंज होकर अभी हुआ है क्या भंजनगर, जो कि गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, सोचो ऐसे लोग के नाम पे हमारा सिटी इतना दिन तक था। सो जॉर्ज जॉर्ज एडवर्ड रसेल थे, वो आए सप्रेस करने के लिए डोरा का रेबेलियन। तो अभी धनंजय मंजा का ऑलरेडी डेथ हो चुका है, मैं डिस्कस कर चुका था 1835 में वो उनका डेथ हो गया। और ये कब आते हैं एडवर्ड रसेल, ही केम, हाँ वो आते हैं 11 जनवरी 1836 को। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इंस्टेड ऑफ पेइंग रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो दोरा बिसोई थे ये टेकन मच अमाउंट ऑफ मनी विथ हिम टू कंटिन्यू एंड सपोर्ट द रेबेलियन इन एसोसिएशन विद द कंधार ऑफ घुमुसर। तो जब रसेल आते हैं एक लाइक 31 दिसंबर को डेथ हुआ, तो 11 जनवरी को आते हैं एग्जैक्टली 11 दिन के बाद। तो उनके साथ बहुत बड़ा आर्मी रहता है ब्रिटिश आर्मी, जिसमें तो कुछ यूरोपियन होते हैं और ज्यादातर होते थे आपके जो इंडियन सिपॉयज होते थे। तो वो इंस्पायर्ड ऑफ दैट, तो ग्रैंड आर्मी के साथ साथ उन्होंने जो लोकल चीफ्स थे दूसरे उनका भी हेल्प लिया है ना। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड ऑर्डर्ड द सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ द ट्रिब्यूटरी महल्स, जो ट्रिब्यूटरी महल्स थे उनको भी, जो ब्रिटिश आए थे आर्मी उनको हेल्प करने के लिए बोला रसेल को बेसिकली है ना। तो ये चीज हो गया। अभी क्या होता है तो इसके लिए क्या करेंगे, कैप्चर तो नहीं कर पाएंगे, वो छुप जाएंगे जाके आपके जंगल वगैरह में। तो इन ऑर्डर टू कैप्चर द फैमिली मेंबर्स ऑफ धनंजय भंजा, जो कैप्टन बटलर थे है ना, ही वाज असिस्टिंग रसेल आल्सो, उन्होंने क्या किया लेट द ब्रिटिश ट्रूप द घाट्स। उनके पास दो एजेंडा था, पहले तो जो रॉयल मेंबर्स हैं उनको कैप्चर करो जो धनंजय भंजा के बच्चे वगैरह थे, एंड टू रेस्क्यू द ट्रेजरी, जो ट्रेजरी उन्होंने ले लिया था धनंजय भंजा जो रिवोल्ट को रखने के लिए मतलब जारी रखने के लिए, उसको भी कैप्चर करो रेस्क्यू करो बेसिकली है ना। तो एज दिस ट्राइबल लीडर्स वर रिसाइडिंग इन द फॉरेस्ट, दे आर क्वाइट एक्वेंटेड विद द जंगल एरिया। तो जो ट्राइबल लीडर्स थे डोरा बिसोई के अंडर बाकी जितने थे लोग, उन्होंने क्या किया, दे रिसोर्टेड टू गोरिला वेलफेयर, छुप छुप के बाहर करने लगे। ठीक है, वो अकाउंटेड थे वो जंगल के एरिया में, ब्रिटिश लोग नहीं थे, तो इनिशियल तो उनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिला, लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे इनिशियल क्या बोला उन्होंने 13 सिपाही और 2 यूरोपियन ऑफिसर को मार दिया है ना, वही उदयगिरी के आसपास। तो जब ये ब्रिटिश लोग का फेलियर हो गया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्राइस डिक्लेयर किया कि अगर जो डोरा बिसोई को हमें हैंड ओवर कर देगा उसको 5,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ हेनरी रिकेट्स द कमिश्नर ऑफ ओडिशा, जो कमिश्नर ऑफ ओडिशा तभी कौन थे, हेनरी रिकेट्स, उन्होंने जो राजा सोमनाथ थे, राजा सोमनाथ सिंह ऑफ अनुगढ़, उनको उनको एक्चुअली उन्होंने धमकाया कि तुम डोरा विषय को हेल्प मत करो, उनको सरेंडर कर दो वरना तुम्हारा भी जमींदारी वगैरह सब छीन लेंगे। तो बेसिकली उन्होंने मतलब ना चाहते हुए भी उनको हैंड ओवर करना पड़ा। सो राजा सोमनाथ सिंह ऑफ अनुगुल जो थे ना, कहीं कहीं हिस्टोरियंस लिखते हैं कि उन्होंने बिट्रे किया था, ऑब्वियसली दैट वाज डिस्प्यूटेड, लेकिन उन्होंने बाद में तो हेल्प करते ही है। तो मेरा मानना है कि लाइक मेरा मानना मतलब कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि उन्होंने जानबूझ के तो नहीं दिया, लेकिन बिकॉज ही वांटेड टू प्रोटेक्ट हिज ओन किंगडम ही हैड टू हैंड ओवर डोरा बिसोई टू द ब्रिटिश फोर्सेस। ऐसे भी तभी थोड़ा ब्रिटिश लोग बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए थे, तो इसलिए उनको क्या हुआ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ, उनको फांसी नहीं मिला। तो डोरा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला 1837 में कैप्चर हुए, ऊटी में जाके उनका डेथ होता है प्रिजन के अंदर ही 1846। तो 1846 में दूसरा वाला रेबेलियन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि लीड करेंगे कौन, चक्रा बिसोई उनके निफ्यू। ठीक है, तो एलंग डोरा बिसो के साथ साथ 40 रेबिलियन पर्सन को डेथ अवार्ड मिला था। तो 40 लोग थे डोरा बिसो के साथ जिनको डेथ सेंटेंस मिला, 29 को मिला लाइफ इम्प्रिजनमेंट, पूरा जिंदगी भर लाइफ इम्प्रिजनमेंट जैसे कि मिला था डोरा को है ना। सो ही डाइड इन द ऊटी प्रिजन। ठीक है, नाउ ये नाम याद रख लेना, डोरा बिसो के साथ है राजा सोमनाथ सिंह, जो कि अनुगुल के थे राजा सोमनाथ सिंह, और तभी कौन थे कमिश्नर, हेनरी रिकेट्स। ये जरूरत नहीं है, बस याद रखना 5,000 का अवार्ड रखा हुआ था,
और राजा सोमनाथ सिंह ने हैंडओवर किया 1837 में, तो 2 साल के अंदर ये खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है जब 1846 में, तो अभी आता है कंधा अपराइजिंग। तो पहले हमने घुमसर अपराइजिंग पढ़ा जिसको लीड किए थे डोरा एंड कंधा अपराइजिंग। एक्चुअली कंधो एरिया एंड घुमसर एरिया दोनों पास में ही थे, दोनों एरिया में ही कंधो रहते थे। अभी जो कंधमाल है ना, उसमें थोड़ा सा आता है घुमसर का थोड़ा रीजन एंड आपका गंजाम में थोड़ा आता है जो भंजनगर वाला एरिया है। तो दोनों ही मैंने डिस्कस किया था, पहले ही दिखा लिया था, तो उसे कंफ्यूज होना ना। तो घुमसर एंड कंधो अपराइजिंग दोनों ही आ सकता है, दोनों में ही दोहरा विश्व चक्र विश्व एसोसिएटेड है। ठीक है, बिकॉज घुमसर में भी कंधे लोग ही थे मेनली। ठीक है, तो इससे मतलब ऐसा नहीं कि कंधो में क्यों डोरा विश्व लिख दिया, सो यू शुड नॉट कंफ्यूज विद दैट। नाउ जो डोरा विश्व के जैसे हमने डिस्कस किया, डेथ हो गया उटी जेल में 1846 में, तो चभी चोपड़ा विश्व ने उसका कमांड पकड़ लिया, कौन सा कंधा वाला एरिया का। तो चोपड़ा विश्व जो थे वो बड़े दुखी हो गए थे क्योंकि डोरा विश्व को कैप्चर कर लिया था, उनका जेल में डेथ होता है। ही वॉज द निफ्यू ऑफ डोरा विश्व, सो ही वॉन्ट टू टेक रिवेंज। ठीक है, रिवेंज ऑफ द डेथ ऑफ हिज अंकल डोरा विश्व। नाउ अभी क्या होता है, एससी मैकफर्सन है ना, एससी मैकफर्सन उनके जो चक्र विश्व के टाइम थे मेरिया एजेंट, वही सेम मेरिया एजेंट अगेन, मेरिया वाला प्रिंसिपल यहाँ पे फिर से आ गया जो कि डोरा विश्व के टाइम में भी वन ऑफ द फैक्टर्स था फॉर द रिवोल्ट, तो अभी भी वही चीज है। तो जो मैकफर्सन थे उन्होंने क्या किया, क्या क्या उन्होंने कुछ जो मेरिया थे जिनको मतलब सेक्रीफाइस देने वाले थे कंधो लोग, उनको कैप्चर कर लिया, मतलब रेस्क्यू कर लिया, नॉट कैप्चर बेसिकली। और जो कंधो लोग थे उनको बोला कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं फिर से तुम्हें दंड मिलेगा, जैसे कि पहले आपका सती भी हो रहा था इसी टाइम में, याद होगा 1833 में, जस्ट 1833 विलियम बेंटिंक के टाइम में ही सती को हटाया था, कौन सा बंगाल वाला प्रोविंस से बेसिकली। ठीक है, तो सती प्रैक्टिस भी था जैसे वहां पे जबरदस्ती उनको आग में झोंक देते थे इस टाइप का, मरिया उनका एक तो ऐसे रिलीजियस चीज था, बट ऐसा नहीं कि किसी को मारने का इच्छा होता था, पर किसी को भी उठा के वो लोग यू नो करते होंगे, तो ये चीज है। तो देट वॉज नॉट अंडर द लॉ, तो उस समय जो लॉ था उसके लिए ये नहीं था, तो लेकिन ट्राइबल लोग तो लॉ तो मानते नहीं है, तो इसलिए जो मैकफर्सन थे उन्होंने उनको कंध लोग को बेसिकली चस्टाइज किया कि तुम लोग ऐसा काम मत करो। तो उसे क्या हो गया, वो जो चक्रा विश्व के लीड में क्या हुआ, वो लोग आके जो उनका कैंप था बिसीपरा में, किसका मैकफर्सन का, उनको वहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन किया है ना। उन्होंने क्या किया, उनको बोला कि सरेंडर कर दो मरिया को जिसको तुमने लेके आया है रेस्क्यू करके, वरना तुम्हें मार देंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया, तो इससे जो कंध लोग हैं बहुत खुश हो गए क्योंकि उनका जीत हो गया एक तरह से, क्योंकि उन्होंने जो मरिया वगैरह थे उनको फिर से वहां से लेके आ गए कैप्चर करके। ठीक है, उसके साथ अभी क्या किया, फिर जो कंधो लोग थे अंडर द चक्र विश्व लीडरशिप, उन्होंने इंस्टॉल किया पीताम्बर को। ठीक है, तो डोरा विश्व के बाद ब्रिटिश लोग अपना किसी को, अपना जो भी उनके अंडर में कोई थे जो भंजो डायनेस्टी के, उनको रखे हुए थे, तो लेकिन कंधो ने क्या किया, पीताम्बर जो कि धनंजय भंज के माइनर सन थे, मतलब कम एज के बिलो 18 ईयर्स थे, तो उनको उन्होंने क्या किया, किंग ऑफ घुमसर डिक्लेयर किया। ठीक है, चक्रा विश्व जो थे जिस जो कंधो लोग को लीड कर रहे थे, तो इनके इससे उनका एंथुजियाज्म भी बहुत ज्यादा सरचार्ज हो गया और उन्होंने जो ब्रिटिश कैंप था उसको लूट किया, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है कैंप एट बिसीपारा को भी लूटिंग किया था उन्होंने, तो ये चीज हो गया। तो इससे क्या होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने फिर चक्रा विश्व को सप्रेस करने के लिए फिर से प्लान करना पड़ा। एक बार डोरा विश्व का किया था 1835-37 के बीच में, वे एग्जैक्टली 10 साल के बाद फिर से उनके आते हैं भतीजे। नाउ तो अभी क्या होता है, ब्रिटिश वर्सेस चक्रा विश्व चालू हो जाता है। इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, मद्रास प्रेसिडेंट अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट कर्नल कैंपबेल, तो उन्होंने जो मैकफर्सन है उनको हटा के लेफ्टिनेंट कर्नल कैंपबेल को अपॉइंट किया मरिया एजेंट जैसा, थोड़ा सा सिचुएशन शांत हो जाए क्योंकि मैकफर्सन को ह्यूमिलेट किया था उन्होंने, उसको फिर अपना रिवेंज लेने की कोशिश कर रहे होंगे, तो सिचुएशन को कंट्रोल लाने के लिए उन्होंने क्या किया, मद्रास प्रेसिडेंट के अंडर था तभी, तो लेफ्टिनेंट कर्नल कैंपबेल आते हैं, उन्होंने एक कन्विंसिंग पॉलिसी मतलब अपनाया एंड ट्राई टू विन ओवर द कंधस ऑफ घुमसर, तो कंधो को अपने तरफ मतलब क्या अपने तरफ खींचने के लिए कोशिश किए। उन्होंने बोला उनको तुम लोग मरिया सेक्रीफाइस मत करो और हम साथ साथ रहेंगे, थोड़ा उनको बहलाया फुसलाया जैसे वो लोग चक्रा विश्व से अलग हो जाए। ठीक है, तो कंधस प्रॉमिस टू अब्सटेन फ्रॉम मरिया सेक्रीफाइस, इन दिस वे ट्रायल वाज मेड टू परसुएड द कंधस एंड टू मेक अनफ्रेंडली विद चक्रा विश्व, तुम लोग चक्रा विश्व के चक्कर में मत रहो, डेथ वेथ हो जाएगा, ऐसा बोल दिया उनको कौन, जो लेफ्टिनेंट कर्नल कैंपबेल थे। तो इससे क्या हो गया, इस स्ट्रेटेजी से बहुत सारे जो कंधो है उनके साइड में आ गए और चक्रा विश्व ऑल्दो उनके साइड में नहीं आए, उनके इन्फ्लुएंस में, लेकिन वो
वो भाग गए एक्चुअली, वो कैप्चर नहीं हुए, थोड़ा जो कंधो लोग हैं उनको सपोर्ट नहीं किए इतना, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे वो, तो इससे अभी बाद में पता चलता है कि चक्रविश्वय और एक नाभघाव कन्होर करके थे, ठीक है, ये नाम नहीं याद रखने से चलेगा। तो वो क्या हुआ, सोमनाथ सिंह, जैसे कि मैं बोला था याद रखना, जो कि डोरा विषय को कैप्चर हैंड ओवर किए थे 1836 में, जो कि किंग ऑफ अनुगोल थे, ठीक है। तो पता चला कि जो सोमनाथ सिंह है, इन्होंने चक्रविश्वय और नवगांव कन्होरों को क्या कर रहे हैं, उनको असिस्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो ब्रिटिश लोग है तो पता है वो बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक थे, उनके पास था डिप्लोमेसी, लेकिन वो तो ऐसे ही बैकस्टैबिंग ही करते थे बेसिकली, है ना। क्या क्या बोलते हैं उसको, कैरेट एंड स्टिक मेथड, एक को जो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो बेसिकली जब पता चला सोमनाथ सिंह ये चीज कर रहा है, वो थोड़ा इन्फ्लुएंशियल किंग था, तो उनसे चक्रविश्वय नवघाँ को उनसे दूर करने की कोशिश किया। पहले तो चक्रविश्वय को कौंधो लोग से दूर कर दिया, अभी वो क्या किए, सोमनाथ सिंह से कैसे चक्रविश्वय और नवघाँ को अलग करेंगे उसके लिए कोशिश किया। तो उन्होंने क्या किया, सॉरी, उन्होंने पार्डन कर दिया, मतलब क्षमा कर दिया चक्रा और नवघाँ को, ब्रिटिश लोग, है ना, दे पार्डन देम, सो दैट सब जो सिविलियन है थोड़ा कम हो जाए। तो इसे जो नवघाँ था उन्होंने तो सरेंडर कर दिया, है ना, द पॉलिसी बॉरफोर्ड एंड नवघाँ सरेंडर्ड बट डोरा डिड नॉट सरेंडर। तो इट्स नॉट डोरा, इट शुड बी बेसिकली चक्रा, शुड बी चक्रा, चक्रविश्वय या तो नवगांव ने सरेंडर कर दिया क्योंकि उनको पार्डन मिल गया था, बट चक्रा ने सरेंडर नहीं किया, ठीक है। तो उससे ब्रिटिश लोगों को डाउट हुआ कि सोमनाथ सिंह शायद उनको सपोर्ट कर रहा है, तो उन्होंने स्केप्टिक हो गया सोमनाथ सिंह के विरुद्ध में। एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मतलब आपके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। तो इसे सोमनाथ जो थे, जो कि पहले ब्रिटिश को हेल्प किए थे डोरा विश्व के टाइम में, अभी उन्होंने क्या किया, सोमनाथ पिकड अप क्वारल विद द ब्रिटिश, उन्होंने ब्रिटिश के साथ, जो सोमनाथ सिंह थे अनुगुल के राजा, ब्रिटिश के साथ उन्होंने झगड़ा चालू कर दिया। उन्होंने एक फोर्सिबल एक विलेज था, विलेज ऑफ हिंडोल, उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो इससे वजह से उनको क्या हुआ, फाइन करा गया, 3,000 रुपए का फाइन करा गया। द किंग ट्राई टू प्रोटेस्ट बट उनका कोई सुना नहीं, लेकिन ऊपर से क्या हो गया, जो लेफ्टिनेंट कॉलोनल कैम्पबेल थे, जो मैकफर्सन को रिप्लेस किए थे मेरिया एजेंट, उनको ऑथराइजेशन मिल गया उन कहाँ से, उनका मद्रास से, कि तुम अनुगुल को कैप्चर कर सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, अनुगुल की तरफ गया अपना आर्मी के साथ और सोमनाथ सिंह को सप्रेस किया, अनुगुल को अपने ब्रिटिश के अंडर ले आया 1848 में, और सोमनाथ सिंह को क्या किया, प्रिजन में भेज दिया। किधर, हजारीबाग जेल, हजारीबाग, हजारीबाग किधर है, आई थिंक बिहार में है शायद, है ना। ओके, तो ये चीज हो गया। तो जैसे कि आपका पता होगा, सोमनाथ सिंह ने डोरा विश्वय को हैंड ओवर किया था 1837 में, लेकिन अभी चक्रविश्वय के चक्कर में इन्होंने खुद ही जेल चले गए उनको, ठीक है। लेकिन चक्रविश्वय अब तक नहीं पकड़ा गया है और पकड़ा भी नहीं जाएगा, अभी देखते हैं क्या होता है। तो अभी जो ब्रिटिश लोग क्या करने लगे, जो भी चक्रविश्वय को हेल्प करने की कोशिश करता था उसको अरेस्ट कर लेते थे, उसको जमींदारी छीन लेते थे। तो चक्रा ने क्या किया, अभी थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज किया अपना। वो क्या किया, उन्होंने देखा कि सबर जो पारड़ा खेमुंड एरिया है, पारड़ा खेमुंड इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ गजपति डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो वहां पे जो सबर थे वहां पे, वो लोग अभी ब्रिटिश के अगेंस्ट में खड़े हो रहे थे। उनके लीडर कौन थे, दंड सेना ऑफ गाइबा, गाइबा एक एरिया जगह का नाम है पारला खेमंडी के आसपास, ठीक है। तो जो सबर और पारला खेमंडी के थे, वो दंड सेना के लीडरशिप में वो लोग राइज कर रहे थे। तो जो चक्रा विश्वय था, वो जाके क्या हुआ, दंड सेना को हेल्प करने लगा। तो जो भी चक्रा चक्रा यूनाइटेड सबर एंड कंधो, ठीक है, एंड इंस्टिगेटेड देम टू सेट फायर एंड प्लंडर दोज विलेजेस, जो कि दंड सेना को हेल्प नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो दंड सेना को सपोर्ट करने लगा। तो इससे क्या, जब इसके बाद क्या होता है, कैप्टन विल्सन करके थे, वो क्या किए, दंड सेना को अरेस्ट मतलब सप्रेस करके उनको फांसी में चढ़ा दिया, ठीक है। तो इससे जो सबर वाला था रेबेलियन, वो भी खत्म हो गया। तो अभी चक्रा वहां पे भी उनको नहीं मिला, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो जगह बेसिकली वहां पे तो खत्म हो गया। अभी क्या करेंगे, वो कहाँ जाते हैं, पालाखेमुंड से तेल वैली में चले जाते हैं। तेल वैली हम जानते हो, तेल एंड ईब में डिस्कस किया था, महानदी का जो ट्रिब्यूटरीज है, संबलपुर जब पढ़े थे हम, संबलपुर का एक मैं वीडियो बनाया हूँ, बहुत अच्छा वीडियो, संबलपुर एंड वीर सुरेंद्र साय, ठीक है। तो वहां पे वो जाते हैं, फिर वहां पे जो थे ब्रिटिश जो किंग ऑफ पटना, है ना, पटना जो बलांगीर को बोलते हैं, पटना जिससे डिवाइड होकर बाद में बना था आपका संबलपुर, तो उन्होंने चक्रविश्वय को हेल्प करना चाहते थे लेकिन ब्रिटिश के डर से नहीं किए। तो चक्रा फिर से कंधमाल में आके जंगल में घुस गए, इसी की जो कंधमाल में घुस गए, जो कि पहले बौद्ध किंगडम के अंडर था। तो गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने क्या किया, तो जब पता चला कि वहां पे है बौद्ध के जो कंधमाल वाला एरिया में, तो
तो उन्होंने कंधमाल को अनेक्स कर दिया किधर, ब्रिटिश अथॉरिटी में, ठीक है। तो जो कंधमाल था वो पहले बौद्ध किंगडम में था, प्रिंसली स्टेट में, अभी क्या हो गया, दैट बिकम ए तहसील अंडर द बंगाल प्रेसिडेंसी 1855, ठीक है। तो जो कि हम पहले भी स्लाइड में डिस्कस किए थे कैसे कंधमाल का गठन हुआ। तो अभी क्या हो गया, चक्र विश्व फिर अभी मिला नहीं, वो खो गया कहीं पे, तो ठीक है। तो फ्रॉम दैट टाइम नथिंग वाज, चक्र विश्व ने ज्यादा कुछ किया कर नहीं भी पाया क्योंकि कंधर रिबेलियन अभी खत्म हो गया था ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश लोग भी उनको कभी कैप्चर नहीं कर पाए। एंड इट वाज सीन दैट ही डाइड इन द ईयर 1856, ठीक है। लेकिन 1857 में जो एक जो कमिश्नर ऑफ ओडिशा थे तभी, जी एफ कॉकबर्न, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने लिखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि शायद चक्र दूसरे देश में भाग गया, ठीक है। तो इट वॉज नॉट नोन कि कैसे हुआ, जैसे कि हमें पता होगा 1857 में जैसे नाना साहब चले गए थे नेपाल में, तो मे बी वो जंगल में उनका डेथ हो गया होगा, मे बी ही वेंट टू अनदर कंट्री, बट वाज नेवर कैप्चर्ड, है ना। लाइक डोरा बिसोई को कैप्चर करवा दिया था किसने, सोमनाथ सिंह, जो कि आपका किसका था, राजा अनुगुल का। लेकिन चक्र बिसोई के चक्कर में सोही खुद सोमनाथ सिंह पकड़ा गया और चक्र बिसोई पकड़ा नहीं गया। लेकिन जो रिवोल्ट था जो कंध लोग ने लाए थे, कंध रिवोल्ट, है ना, एंड घुमसर अपराइजिंग जो दोरा बिश्व एंड चक्र बिश्व ने लीड किया, दैट वाज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू द ब्रिटिश अथॉरिटी, ठीक है। और इसके बाद ही पता होगा आपको 1857 में ही, जस्ट आफ्टर दिस थिंग 1855 एंड ऑल, आपका क्या होता है, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ सिपोई, राइट, सिपोई म्यूटिनी होता है, और द फास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको बोला जाता है। ऐसे अभी ओडिशा गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया है कि, और उसको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया है कि 1817 वाला जो है हमारा जो पाइको रेबेलियन हुआ था इन 1817 इन ओडिशा, उसको फर्स्ट ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया जाए, ठीक है। तो देट वॉज ऑल्सो देयर, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप वो भी देख सकते हैं, देट वॉज ऑल्सो नाइस वीडियो, ठीक है। और 1855-56 में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट हुआ था, दिस इज जो उसको बोलते हैं सांतल रिवोल्यूशन, ओके, सांतल रिवोल्यूशन बोलते हैं उसको, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक दूसरा स्लाइड बना दूंगा, दूसरा वीडियो, जिसमें जितना भी इम्पोर्टेंट रिवोल्ट हुआ है, ठीक है, जितना भी इम्पोर्टेंट रिवोल्ट हुआ है इन इंडिया बिफोर 1857 और आफ्टर 1857, उसको एक ही, यू नो, दो तीन स्लाइड में खत्म हो जाएगा, वो सारा चीज एक जगह पर रहेगा, तो क्रोनोलॉजिकली भी जानना ईजी रहेगा, ठीक है। सो दैट आई विल डू दैट। और ये सब जो स्लाइड में जो कंटेंट है, उसके लिए मैंने ये वेबसाइट जो है www.historyofodisha.in को रेफरेंस में लिया था, तो आप वहाँ पे भी जाके विजिट कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच। सो प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक, एंड ऑल्सो आप लोग चाहे तो मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जो टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए। So thank you so much, Hare Krishna.